का लाल किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है। हाँ छोड़ो यार, जिसके सीने में दिल नहीं उसे दिल की बीमारी कैसे हो सकती है? मुझे तो ये मिर्गी लगती है। चप्पल सुनाओ क्या? नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। साल 1983 में आई अमिताभ बच्चन जी की फिल्म कुली को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं देखा होगा। इस फिल्म के निर्माण के दौरान सेट पर अमिताभ जी के साथ बड़ा हादसा हुआ था जिससे उनकी जान पर बनाई थी। इस हादसे के बाद फिल्म के कहानी में काफ़ी परिवर्तन हुआ था और एक बेहतरीन गीत को हटा दिया गया था। आज हम इस वीडियो में उस दृश्य को साक्षात दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कुली फिल्म में कुल 7 गाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, लेकिन एक गीत को अमिताभ जी के साथ हुए हादसे के बाद हटा दिया गया था। जैसा कि सेट पर फाइट सीन के दौरान 26 जुलाई 1982 को पुनीत इस्सर का घुसा अमिताभ जी के पेट में जोर से जाकर लगा था और वह स्टील की मेज से टकरा गए थे, जिससे उनके पेट में गहरी चोट आई थी और बड़ी मशक्क़त के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। बता दें कि पहले कुली फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ के किरदार को मरना था और इसी सिचुएशन के लिए सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं का सैड वर्जन रिकॉर्ड किया गया था, जिसे लयबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस गीत को गाया था शब्बीर कुमार ने। पहले आप इस गीत को सुनिए, फिर हम बताएंगे कि इसको फिल्म से क्यों हटाया गया था। ये गए वो गए थक के हम सो गए, चलो सिग्नल हुआ सब कहा फिज़े खुदा। वक्त रुखसत है अब हमसे इंसान सब, मर के ही दोस्तों चैन पाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। खाली हाथ लोग आते हैं जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। चुप से मातम करें, रोए क्या हम करें, अपनी वारात का यूं जनाजा उठा। हाय रे ये सितम, आज किस दिन से हम तेरी मैयत को कंधा लगाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। खाली हाथ लोग आते हैं जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अमिताभ बच्चन के किरदार को फिल्म की कहानी के अंत में मरना था, लेकिन फिल्म के निर्माताओं के द्वारा यह तय किया गया कि असल जीवन में वह मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, इसलिए फिल्म में दर्शक उन्हें दोबारा मरते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। जिसके बाद इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने क्लाइमेक्स में बदलाव करते हुए अमिताभ को जिंदा रखने का फैसला किया
और इस सिचुएशन के लिए शब्बीर कुमार की आवाज़ में जो गीत रिकॉर्ड किया गया था उसे नहीं फिल्माया जा सका था। हालांकि यह गीत बहुत ही इमोशनल है। अगर इसे जिस वक्त फिल्म में अमिताभ जी मर रहे होते हैं उस वक्त फिल्माया गया होता तो सभी की आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह पाता। मित्रों, क्या कुली फिल्म के क्लाइमेक्स में बदलाव करना सही फैसला था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।